नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज गुड फूड फॉर किडनी के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ वो फूड आइटम्स जो आपकी किडनी को साफ रखती हैं, उसे डिटॉक्स करती हैं। किडनी को ठीक रखने के लिए ठीक से खाना खाना जरूरी होता है। अगर हम खाना सही तरीके से खाते हैं, सही फूड आइटम का सिलेक्शन करते हैं, तो न सिर्फ हमारी किडनी अच्छा काम करती है, बाकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स परफेक्ट तरीके से काम करते हैं। तो किडनी फेलियर के पेशेंट जितने भी आते हैं हमारे पास, हम उनमें से देखते हैं कि उनकी किडनी क्यों खराब हुई, किस वजह से खराब हुई, तो हमें कुछ चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो हम उन आइटम में आज बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे कि किडनी को हम कैसे अच्छा हेल्दी रख सकते हैं। तो पहली चीज़ जो डाइट में हमें ध्यान रखने में होती है जो किडनी के लिए अच्छी होती है, वो है प्लेंटी ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर। कितनी अमाउंट में फ्लूड ले रहे हैं, अगर मान लो कि आप पानी की मात्रा कम लेते हो तो क्या होता है, कम पानी में किडनी को यूरिन बनाना होता है, सारे काम करने होते हैं और ये काम उसको ज़्यादा करने पड़ते हैं कम पानी की वजह से, कम फ्लूड की वजह से। तो हमने सबसे पहला ध्यान क्या रखना होता है, अगर हमारी किडनी बिल्कुल परफेक्ट है, हेल्दी है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो अपनी डाइट के अंदर, अपने खाने पीने के अंदर पानी की मात्रा को एप्ट रखो, अच्छे अमाउंट में रखो। जब प्यास लगती तब पानी पियो। अपने को अपनी होंठ सूख रही है, गला सूख रहा है, उसे इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके पानी दिन में लेते रहो और दिन के अंदर 3-4 लीटर पानी पी जाते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठंड का मौसम है, कम पानी लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चाय कॉफ़ी में अगर आप ले रहे हो तो भी इसमें आपने ध्यान रखना है कि फ्लूड हमारी बॉडी में धीरे धीरे करके जाता रहे, प्यासे नहीं रहना। कहने का मतलब है कि हमने किसी भी कीमत पे प्यासा नहीं रहना अगर हम अपनी किडनी को हेल्दी रखना चाहते हैं। तो दूसरी चीज़ हमने ध्यान रखनी होती है कि हम फ्रूट्स पे बहुत ध्यान दें। हम हमारी किडनी, हमारी बॉडी सब एक जैसी हैं, जब वो हेल्दी हैं तो हमने उसको रखना क्या है, उसको फाइबर देना है। अब हम कहेंगे फाइबर आप वेजिटेबल से लो तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मगर अगर हम यही कहते हैं कि फाइबर आप सैलड फॉर्म में या फिर फ्रूट फॉर्म में लो, तो हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी के वेट को मेंटेन करने के लिए, शुगर से बचने के लिए, बीपी से बचने के लिए अच्छा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप खाना खाना शुरू करो तो उससे पहले थोड़ा सा सैलेड, थोड़ा सा फ्रूट ज़रूर लीजिए। इससे क्या होगा, फाइबर हमारी बॉडी में जाएगा, कॉन्स्टिपेशन तो होगी ही नहीं, मगर ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को भी अच्छा लगेगा। अब हमारा जब पेट ठीक रहता है तो ऑलमोस्ट सारी की सारी बीमारियाँ दूर रहती हैं। कारण क्या है कि डाइजेशन अपसेट होने के बाद बीपी का बढ़ना नॉर्मल बात है, डाइजेशन अपसेट होने के बाद शुगर का होना आम बात है। तो अगर हमारा सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम ओके है, क्योंकि हम सही मामले में फाइबर ले रहे हैं, तो हमें दिक्कत देखने को नहीं मिलती। अब चलते हैं उन फूड आइटम्स के ऊपर जो कि नॉर्मली हमारे घर में होते हैं और उनको हम इग्नोर कर देते हैं, मगर वो हमारी किडनी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। कोई भी फूड आइटम जो आपकी यूरिन के आउटपुट को बढ़ाता है, उसे ये माना जाता है कि वो आपकी किडनी के लिए हेल्दी है। जैसे गर्मियों में हमारे घर में तरबूज आते हैं, खरबूजे आते हैं, लेमन मेलन आता है जिसे हम श्रद्धावे कहते हैं, ये जिनके पीछे भी मेलन लिखा हुआ होता है, ये सारे के सारे फ्रूट्स हमारी किडनी के लिए हेल्दी होते हैं, क्योंकि इनके अंदर फ्लूड की अमाउंट वैसे हिसाब से अच्छी होती है। दूसरा, ये सारे के सारे डायूरेटिक होते हैं, यानी यूरिन के आउटपुट को बढ़ाने वाले होते हैं, ये बहुत माइल्ड तरीके से यूरिन को बढ़ाते हैं और ये हमारे लिए हेल्पफुल है किडनी को डिटॉक्स करने में। तो हम किसी मेडिसिन का नाम लेते हुए अपनी किडनी को हेल्दी रखने के लिए इन सारे फ्रूट्स का यूज़ कर सकते हैं, मगर तब करेंगे जब हमारी किडनी हेल्दी हो। अगर हमारी किडनी खराब है किसी भी कारण से, अगर हम इनका फ्रूट का यूज़ ज़्यादा करेंगे तो हमारी बॉडी में फ्लूड ज़्यादा जाएगा, स्वेलिंग आ जाती है। इसलिए केयरफुली, ये किडनी पेशेंट्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए जिनकी किडनी हेल्दी है। अब चलते हैं सब्जियों के ऊपर कि कौन सी सब्जी किडनी के लिए अच्छी होती है। इसको पहचानना भी बहुत आसान है, कोई भी सब्जी जो भी कुकुरबिटेसी फैमिली की हो वो हमारी सब्जी अच्छी होती है। जैसे घिया, तोरी, परवल, इनके अंदर छोटे छोटे बीज होते हैं, ये जो जितनी भी कुकुरबिटेसी फैमिली है, ये पूरी की पूरी फैमिली कि जो वेजिटेबल्स हैं वो सारी की सारी डायूरेटिक होती है और ये सारी की सारी बेल पे लगती हैं। यानी कोई भी सब्जी जो बेल पे लग रही है कुकुरबिटेसी फैमिली की है, वो हमारी किडनी के लिए अच्छी होती है, क्योंकि ये डायूरेटिक होती है, ये यूरिन के आउटपुट को बढ़ाती है। तो इनका सेवन हम कर सकते हैं अपनी किडनी को हेल्थी रखने के लिए। अगर हम इनका डेली भी मत करो, हफ्ते में 2-3 बार भी करते हो, रोटेशन के अंदर रखोगे, तो भी हमें हमारी बॉडी को डिटॉक्स चलता रहता है, हमारी बॉडी को किसी टाइप का नुकसान नहीं देखने को मिलता, किडनी को भी अच्छा लगता है। अब चलते हैं ऐसी कुछ आइटम्स के ऊपर जो हमारी किचन में होती हैं, बट हम इसे कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं या हम उसको ले रहे होते हैं, हमें इसका पता नहीं होता कि उसका असर हमारी किडनी पे कैसा होगा। उसमें सबसे ऊपर आता है धनिया।
धनिया जो है वो अपने डायुरेटिक गुण के लिए जाना जाता है, ये बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, इसी वजह से इसे फीमेल्स को ज़्यादा एडवाइस किया जाता है, मगर मेल्स को एडवाइस नहीं किया जाता कि आप धनिया का कुछ खाइए। रीज़न क्या होता है, ठंडा बहुत है। तो हम अगर किडनी को ठीक रखना चाहते हैं तो एक फीमेल के अंदर हम धनिया का पानी, धनिया के बीज का पानी दे सकते हैं, मगर एक मेल को नहीं देंगे, क्योंकि मेल को अगर हमने धनिया का पानी देते हैं तो अलग टाइप की दिक्कतें हमें देखने को मिलती है। तो एक फीमेल धनिया का पानी या फिर ले सकती है। मेल क्या कर सकते हैं, जैसे हम कोई चीज़ खा रहे हैं, धनिया की चटनी खा रहे हैं या तो फिर हम धनिया ड्रेसिंग की तरह खा रहे हैं, तो वो हमारे लिए होता है, हम उसको ले सकते हैं, मगर धनिया का पानी स्पेशल लेना वो सही नहीं होगा। एक और चीज़ हमारी किचन में होती है, वो है हल्दी। हल्दी को हम सब जानते हैं, ये टर्मरिक है, इसके बहुत सारे फायदे हैं, ये कैंसर में काम करती है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, और हमारी मैक्सिमम कुकिंग हल्दी में ही हो रही होती है। हल्दी का सेवन अगर हम सही तरीके से करते रहते हैं, कभी एक बार इसका हम पानी में घोल के ले लेते हैं, कभी दूध में ले लेते हैं, कभी सब्जी में डाल के ले लेते हैं, तो ये सफिशिएंट होती है इतनी मात्रा के अंदर हमारी किडनी को ठीक रखने के लिए। हमने ध्यान क्या रखना होता है कि जब हम खाना बना रहे हैं, किसी भी फॉर्म में ले रहे हैं, तो उसमें नमक और मिर्ची की मात्रा कम होनी चाहिए। हल्दी की मात्रा किसी मात्रा में भी चलेगा, पर नमक की मात्रा कम रखनी चाहिए, क्योंकि नमक और मिर्ची से बीपी बढ़ेगा और बीपी से किडनी खराब होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो हमने इस इसका ध्यान रखते हुए हल्दी की मात्रा को थोड़ा सा खाने में बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से एक और फूड आइटम होती है जिसे हम कहते हैं तुलसी। तुलसी को हम सब जानते हैं, ये पूजा में इस्तेमाल होती है, इसके अलग अलग प्रयोग होते हैं, बुखार में काम आती है, कैंसर में काम आती है, बट तुलसी का जो रोल है वो कहीं ना कहीं हमारी यूरिनरी ट्रैक्ट पे भी पड़ता है। अगर तुलसी के कुछ बीज को पानी में डाल के छोड़ देते हैं, मान लो आपने एक ग्लास लिया, उसमें हल्दी डाली, उसमें थोड़ी सी तुलसी की पत्ते डाल दिए, तो ये अगर आप पानी थोड़ा बहुत ले लेते हैं तो ये हमारे लिए हेल्पफुल होता है, हमारी किडनी को डिटॉक्स करने में हेल्प करता है, क्योंकि इसको लेने के बाद हमारा यूरिन का जो आउटपुट है वो बेटर हो जाता है। और यूरिन आउटपुट का बेटर होने का मतलब क्या है कि बॉडी में से डिटॉक्स होना, पहले तो गंदगी बाहर चली गई, दूसरा किडनी जो है उसकी फंक्शनिंग में सुधार होना, ठीक है। तो हम इन चीज़ों का प्रयोग अपने डेली डे बाय डे डेली लाइफ में करेंगे और इन फूड आइटम्स को अपने रखेंगे। तो अब आपको कुछ ना कुछ आइटम्स के बारे में आइडिया हो गया होगा कि कौन से फ्रूट किडनी के लिए हेल्दी होते हैं, कौन सी वेजिटेबल्स हेल्दी होती हैं, और कौन से मिर्च मसाले, मतलब मसाले मिर्च मसाले तो नहीं कहना चाहिए, बट ऐसी कौन सी फूड आइटम्स हमारे घर में हमेशा अवेलेबल होती है जो हमारी किडनी के लिए हेल्दी है। तो जो भी पर्सन जिसकी किडनी बिल्कुल हेल्दी है वो उनका यूज़ किसी भी अमाउंट में कर सकता है, मगर जो किडनी फेलियर के पेशेंट होते हैं उनको थोड़ा सा बच के चलना होता है, उन पर ये सारी चीज़ें काम नहीं करती। क्यों नहीं करती इसे हम अगली वीडियो में बताएंगे, मगर अभी फिलहाल के लिए मैं आपसे चलने की आगे चाहूँगा। आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर लीजिए, डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा, और उम्मीद करता हूँ आप सारे स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, इसी कदम चलने की आगे दीजिए। नमस्कार।